जब आंखें खुलें तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हों तो यादें हिंदुस्तान की हों, हम मर जाएं तब भी कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आज 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा, पूरे शान से, पूरे अभिमान से। एक ऐसा त्यौहार जिसे हर हिंदू, हर मुसलमान मना रहा, हर सिख, हर ईसाई मना रहा। एक ऐसा त्यौहार जिसे हर हिंदुस्तानी मना रहा। मैं खुशी शुक्ला समस्त भारतवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज आज़ाद हिंद में ली गई हर श्वास ऋणी है उन अनगिनत बलिदानों की, शौर्यपूर्ण बहाए रक्त के हर उस कतरे की, जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार 15 अगस्त 1947 में पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ी थी। आज भारत का हर नागरिक आज़ाद है, हर रूप से, हर प्रकार से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी मातृभूमि पर गुलामी की बेड़ियां थीं और हमें सुकून से चिर निद्रा में लीन होने की भी आज़ादी नहीं थी। 1857 से प्रारंभ हुई क्रांतिकारी को सफलता मिली 1947 में। न जाने कितने ही माताओं के लाल सो गए अपनी मातृभूमि की गोद में सदा सदा के लिए, और दिला गए हमें स्वतंत्रता, आज़ादी जीने की। वे दिला तो गए हमें आज़ादी अपनी चरम, अपनी हड्डी देकर, अपनी आत्मा, अपना लहू देकर। न सोचा एक बार भी माँ के उस आंचल के बारे में, न सोचा पिता की आखिरी यात्रा के उस कंधे के बारे में, न सोचा भाई का स्नेह, न सोची बहन की राखी, और न याद आई अर्धांगिनी की चूड़ियाँ। याद रहा तो सिर्फ ये वतन और इसका अभिमान। हंसते हंसते चढ़ गए सूली पर, कहते कहते अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। किंतु आज आज़ाद हिंद में पैदा होने वाले हम सौभाग्यशाली भारतवासी अपनी आज़ादी का तिरस्कार कर रहे, इसके मायने भूल रहे, या यूं कहूं कि इसका गलत फ़ायदा उठा रहे। क्या हम भूल गए हैं कि आज़ादी तो मिल गई हमें, लेकिन इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए आज कितने ही वीर सपूत सीमा पर तैनात हैं। दिन रात, सुबह शाम, भीषण गर्मी हो या कपकपाती सर्दी, जल जलाती आंधी हो या भयंकर वर्षा, वह अचल पर्वत सा निडर खड़ा है। शेर सा सीना लिए वह जाबाज हर उस दुश्मन को सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर देता है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। वह निष्ठुर कलेजे वाला, जी हाँ, वह निष्ठुर कलेजे वाला सैनिक एक पल भी नहीं सोचता अपनी जान न्योछावर कर देने से पहले उस कोख के बारे में जिससे वह जन्मा है, उस आंगन के बारे में जिसमें वह खेला है। भिड़ जाता है दुश्मनों से, या तिरंगा लहरा कर आता है, या उसी तिरंगे में लिपट कर आता है। लेकिन उस सैनिक का सीना तब आहत होता है जब वह अपने ही घर को बटा हुआ देखता है, जब वह अपने ही भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखता है, धर्म और जाति के नाम पर। याद रखिए, अंधविश्वास की ज्योति लेकर जब हम विश्वास का लौ बुझा देते हैं तो विनाश के बादल आकाश में मंडराने लगते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर किसी भी जीव या वस्तु को नुकसान पहुंचाना कब से उचित होने लगा? यदि हम भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि एकता में कितना बल है। ये हमारी एकता ही थी जिसने फिरंगियों के दिलों में खौफ जगाया था और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया था। किसी भी प्रकार का दंगा फसाद अवसर है बाहरी शत्रु बल के मजबूत होने का और भारत को भीतर से दुर्बल और खोखला बनाने का।
आशुतोष राणा जी कथित बेहद ही सुंदर पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए पानी का मजहब क्या होगा, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसी के साथ मेरा संदेश समस्त भारतवासियों को कि अंधविश्वास के बेड़ियों में जकड़ी आज ये आज़ादी, भूल रही वे अमर बलिदान, अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी आज ये आज़ादी, भूल रही वे अमर बलिदान, न चाहिए अखंड भारत और न चाहिए पाकिस्तान, हम इसके हैं और ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा हिंदुस्तान। एक बार फिर समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।